छोड़। इंसान के ऊपर जब गलत समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। दुर्योधन भी कह रहा कि मां मेरी अकल ने काम करना बंद कर दिया है, मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़। करता ना काम मता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो या दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। रागनी समझ में आ रही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया ना?
साथियों, इंसान का अगर समय अच्छा है, मूर्ख आदमी को भी विद्वान बताते हैं लोग, उसके पास में पैसा है, धन है, शोहरत है, तो बेकार आदमी को भी अच्छा कहेंगे। और परमात्मा की कृपा अगर उसके ऊपर नहीं है, समय किसी का गलत आ जाए, खराब आ जाए, तो अच्छे बढ़िया आदमी को भी ये कहने लग जाए पागल है, इसे कुछ नहीं पता। गुरदयाल भड़ाना जी, 100 पहले और 100 रुपए फिर, भाई एक बार जोरदार ताली भड़ाना जी के लिए हो जानी चाहिए, 200 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। तो दुर्योधन ने भी मां गंधारी से कहा कि मां, जब तक मेरे पास में सेना थी, योद्धा थे, सब लोग मुझे होशियार विद्वान कह रहे थे, जीत होने वाली दिखाई दे रही थी तो सब मेरी तरफ कह रहे थे, लेकिन आज मेरे योद्धाओं को वीर गति प्राप्त होते ही आज किस तरह की बात होने लगी है। पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा मेरी सेना के मारे गए, तो आज लोग कह रहे हैं कि दुर्योधन को मूर्ख कहे, आज पांडव को चतरा कह रहे, हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामने दिन सत्रा कह रहे, मने पास बुला के पूछ लिया, मने न्यू पंडित पत्रा कह रहे, राहु केतु चढ़िया सनीचर, वो भी कल के दिन खतरा कह रहे, मेरी है उलझन में जान, अभी चलता ना साफ पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। पंडितों से, ज्योतिषियों से पूछा है तो मां, उन्होंने भी कह दिया कि कल के दिन का ही खतरा मेरे ऊपर है। उधर सहदेव, जिसे ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो उसने भी ये कह दिया था कि या तो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारा जाएगा, और अगर 18वें दिन नहीं मरा तो फिर दुर्योधन के ऊपर विजय प्राप्त कर पाना असंभव हो जाएगा। तीसरी कली के माध्यम से दुर्योधन क्या कह रहा वाला, विष्णु की फौज, जी हां, विष्णु भाई की फौज करेगी मौज, 100 रुपए पहले 100 रुपए फिर और 100 रुपए अब। हां, उन्होंने हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में यह सम्मान दिया है, भाई एक बार जोड़ दता विष्णु जी की फौज के लिए हो जानी चाहिए। विष्णु जी ने भी आशीर्वाद दिया, आपकी फौज भी बहुत आशीर्वाद दे रही है, सहयोग कर रही है, तो आपकी फौज के ऊपर भी बाबा की कृपा बनी रहे और सच्चे दरबार की। चौथी कली के माध्यम से क्या लिखा बाबा,